आहा हा सोसी सूर्य मित्र जहाँ को दर्शन करदे आपण मानकर जीवन समस्त दुख समस्त वेदना सते जमी दूरे जीव कहीं ये महाप्रभु होती सकल वेदनार वैद्य सकल साधनार साध्य सकल आराधनार आराध्य ये महाप्रभु को दर्शन कले आम मान जीवन समस्त दुख दूरीभूत हो तो सुंदर भाव शास्त्र कहती जीवन में थरे ना थरे दर्शन करिवो कारण गंतव्य दुरीतोपनदनकारी तीर्थावली शक्ति गंतव्या विषयानुबंध विषम दुर्वासना दूरतः प्रष्टव्य गुरुरेव संशय पदं नत्वा पदोम्बरुहे द्रष्टव्यो नवनीलशैल शिखरे वृंदाटपी चंद्रमा द्रष्टव्यो नवनीलशैल शिखरे ये होती नवनीलशैल आहा ये नीलशैल शिखर नीलाचल अधिपति देवता नीलाचल ठाकुर ये होती नील यांकर रूप नील रूप यांकर जिते बड़े रूप वर्णना करा जाई नीलजी मुत तनु कांति बलय मणि झट कंति नीलजी मुत तनु कांति बलय मणि झट कंति तुमको तो से कहते नील स्वर रुह नील मणि नील निरुधर श्याम लज हितन शोभानी रेखी कोटि कोटि सतकाम ये होती नील स्वरूप ये होती से नीलचल अधिपति देवता कहा जाए नीलारविंद सुमिंद कलिंद्र चंद्र नीलांबुजित अंजन पुटम नीलचलाधर शीर मुकुटायमान नीलांबरानुज मद शरण ये से नील शैलर अधिपति जहाँ को पूजा करूले आपण मानकर विश्वास सबर से नील नीलमाधव स्वरूप पूजित होता ठाकुर को सदन पचारे भक्त कहले हे विश्वासु ये तो से नीलमाधव ये कालिया हेले केमी या कला कला किए ये कला कहीं उत्तर दे पारू पचारुंसदिन आहा शुण रे सबर से पोरा ठाकुर कालिया हेले काहीकि धरुछि तो पाद कही दिए भेद शुणी भेबी मु सुखिकी हे सबर कह ये नील चल नीलाचलाधिपति ठाकुर कालिया शांत कला काहीकि हेले हसी हसी कि मृदगीर कहते से दिन कहला रे शुणब महाशून्यवासी शून्य रे प्रकाशी शून्य रे लीला करती ये होती महाशून्यवासी ये शून्य रे प्रकाशी आउ शून्य रे लीला करती धरी पोड़पिठा आपण माने देखुं महाप्रभु से पोड़पिठा को भारी प्रिय ये तो पोड़पिठा को ये भल पाती जे रास्तार गाड़ी अटके रथ अटके आम जमी कौटी गोटे कौन भल जिन मिलगले गाड़ी टी अटक दौचे खावापी प्रस्तुत हो जाऊे महाप्रभु सेमती ये रसनार विलास को परित्याग नक आनंद मनरे खावापी प्रस्तुत सती जमी पुअर मन जाणी माँ जमी व्यवस्था कै से प्रियतम प्रभुंर मन जाणी माँ अर्धश्वसिणी मौसी माँ ये सुभद्रांकर स्वरूपिणी ये सुभद्रांकर रूप जमी अर्धश्वसिणी रूप सेमती सुभद्रा देखापी जमी माँ अर्धश्वसिणी रूप देखापी सेमती ये से ही हलदी वर्ण ये से ही हलद मुही आहा आपण को कहते आम से दिन पचरागला ये नील शरीर कला हेले कहीं ना महाशून्यवासी शून्य रे प्रकाशी शून्य रे लीला करती ये होती शून्य सता ये शून्य देही ये होती से ठूल ब्रह्म ये ब्रह्म को दर्शन कले ये शून्य सता को अवलोकन कले ये शून्यर रूप कौन हो पारे ना शून्यर वर्णटी कला किटी तेणु से कला मूरती
ଶୂନ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନ ତଦ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତତ୍ ଧାମ ପରମମ୍ ନ ତଦ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ମୋ ପୁରା ଆଲୋକିତ ହୁଏ ନା ନ ତଦ୍ ଭାସୟତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ନା ହେ ବିଚାରକ ହେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ରସଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହଦ ଏକଦମ୍ବ କଥା ବିଚାର କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ନଥିଲା ସେ ତ ଥିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁ ଇପ୍ସିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଆଦରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି ସେ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ତ ଭାବର ଭୋକିଲା ସେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ତ ଭାବ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଭାବ ଅଛି ରତ୍ନାକର ସ୍ତବ ଗୃହଂ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦମା କିଂ ଦେୟମସ୍ତି ଭବେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ଆଭୀର ବାମ ନୟନ ହୃତମାନସାୟ ଦତମନ ଯଦୁପତେ ତ୍ୱଦୀୟ ଗୃହାଣେ କ'ଣ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ତମ ତ ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ରତ୍ନାକର ସମସ୍ତ ରସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ